नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रैपिड फायर की सीरीज में उत्तर प्रदेश विशेष। एक क्वेश्चन से दो क्वेश्चन पक्का फंसने ही फंसने हैं। वो आपका पॉइंट क्या होता है, मेलो उत्सव एवं त्योहार, उसी से संबंधित मैं आपके सामने प्रश्न लेकर हाजिर हूं। अगर इस सीरीज को ध्यान से देख लिया, दोस्तों को शेयर कर दिया, जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी ये सीरीज शेयर कर दिया करो, सभी का भला हो जाए। और अच्छे अच्छे बेहतरीन बेहतरीन कमेंट लिख दिया करो, जो दिल में एकदम क्या कर दे, धक धक कर दे। आइए देखते हैं एक बार सरसरी नजर से। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्या कह रहा है आपसे, कैलाश मेला प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है। कैलाश मेला की जब हम बात करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा, हम यह मेला अपने आगरा में लगता है। दूसरा प्रश्न कह रहा है, उत्तर प्रदेश में किस काल में भारतीय और मुस्लिम शैली की वास्तुकला अपने चरम पर पहुंची। तो जब हम बात करते हैं किसकी, मुगल काल की, तो मुगल काल के दौरान यह दोनों की दोनों क्या होती है, अपनी सबसे चरम पर थी। तीसरा प्रश्न कह रहा, कौन सा नृत्य फसल कटाई के समय किया जाता है, शायरा या सायरा नृत्य जो होता है, ये अपने यहां उत्तर प्रदेश में फसल कटाई के दौरान होता है। चौथा प्रश्न कह रहा है कि नटवरी नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, तो नटवरी जो नृत्य होता है पूर्वांचल क्षेत्र में अहिरों के द्वारा नटवरी नृत्य किया जाता है। पांच नंबर कह रहा, कौन सा उत्तर प्रदेश का एक लोकगीत नहीं है, इसमें से जब हम कुरंजा की बात करते हैं राजस्थान का लोकगीत है, उत्तर प्रदेश का नहीं है। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि कौन सा सुमेलित है, आला बुंदेलखंड में है, सही है, बिरहा पूर्वांचल में है, चैती रुहेलखंड में है, लेकिन कजरी को कह रहा है कि अवध क्षेत्र में है, यही आपका क्या होगा, गलत होगा। अगला प्रश्न आपसे सात नंबर कह रहा है कि कौन सा नृत्य ब्रज क्षेत्र में है, भाई रास नृत्य है, मयूर है, ठीक है, चरगुला देखने को मिलेगा और साथ ही साथ झूला भी देखने को मिलेगा, ये सभी के सभी नृत्य ब्रज क्षेत्र के होते हैं। आठ नंबर कह रहा है, कलाबाजी उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है, तो कलाबाजी उत्तर प्रदेश में अपने यहां अवध क्षेत्र में देखने को मिलता है। नौ नंबर कह रहा, राई नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य होता है, तो राई की जब हम बात करते हैं ये बुंदेलखंड क्षेत्र में अपने यहां होता है। दस नंबर कह रहा, जोगनी उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य होता है, तो जोगनी की जब बात करते हैं अवध क्षेत्र में महिलाएं सन्यासी का वेश धारण करके यह नृत्य करती है। कर्मा नृत्य या कर्म नृत्य दोनों पूछा जाता है, तो इसमें ध्यान रखिएगा ये लोक नृत्य अपने यहां खरवार जनजाति करती है। बारह नंबर क्या कह रहा है कि धुरिया नृत्य किस जिले में आयोजित किया जाता है, धुरिया की जब हम बात करते हैं तो बुंदेलखंड जिले में हमें देखने को मिलता है, किसमें, धुरिया। अगला कह रहा है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से इसमें से होते हैं, तो बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा, चरकुला, कर्मा और पांडव, ठीक है, ये प्रमुख लोक नृत्य के अंतर्गत आते हैं। अगला कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य इनमें से कौन से होते हैं, तो बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा, ये आपके चरकुला, कर्मा और पांडव होते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य किया जाता है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है ब्रज क्षेत्र में चरकुला होता है, महिलाएं सर पर बढ़िया पहिए पर जो है घड़ा रख जो है घड़े पर पहिया रखती हैं, उस पर जो है दीपक जला के करती हैं। सोलह नंबर क्या कह रहा है कि शुलांकुल उत्सव का आयोजन कहाँ होता है, आगरा में होता है अपने यहाँ। सत्रह कह रहा है कि नौचंदी मेला कहाँ पर होता है, मेरठ में अपने यहाँ नौचंदी मेला लगता है। अठारह कह रहा है सैयद सालार मेला बहराइच में अपने यहाँ आयोजित होता है। उन्नीस कह रहा हरिदास जयंती प्रतिवर्ष कहाँ, वृंदावन में मनाई जाती है। बीस नंबर आपसे कह रहा है कि महाकुंभ कितने वर्षों के बाद, सारे लोग जानते हैं बारह वर्षों के बाद आपको क्या मिलेगा, महाकुंभ देखने को मिलता है। 21 नंबर कह रहा है कि किस स्थान पर मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन होता है, तो बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा गोवर्धन में होता है। 22 नंबर कह रहा है जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का प्रतीक जो है प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौसाम्बी अपने यहां मिलता है। 23 नंबर कह रहा है कि नासिक में कुंभ मेला निम्न में से किस नदी के तट पर लगता है, तो ध्यान रखिएगा गोदावरी नदी के तट पर लगता है। 24 नंबर क्या कह रहा है कि प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी बारिश अली शाह की मजार पर मेला कहां लगता है, अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा देवासरी बाराबंकी में लगता है। 25 कह रहा है शाकुंभरी देवी मेला कहाँ आयोजित होता है, तो हम जानते हैं सहारनपुर की, सहारनपुर में शाकुंभरी देवी मेला लगता है। 26 कह रहा है किस स्थान को सितार और सुरबहार संगीत के इमदाद खानी घराने के लिए जाना जाता है, वह घराना आपका होता है इटावा घराना। 27 नंबर कह रहा है कि किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया, तो जब हम बात करते हैं किसकी, मेहंदी की, तो मेहंदी का योगदान इसमें नहीं मिलता है। 28 नंबर कह रहा है शंभू महाराज जी को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा किसने दी, ये शिक्षा रहीमुद्दीन खान ने इनको दी थी। 29 नंबर आपसे क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस घराने को भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता, वाराणसी जो आपका है बनारस घराना है, इसको लखनऊ की जो है उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी कहते हैं। 30 नंबर कह रहा है कैलाश मेला कहाँ आयोजित होता है, सारे लोग जानते हैं आगरा में। 31 कह रहा है किस काल में भारतीय मुगल सैला अपने जो है चरम पर पहुंचती है, तो वो काल आपका क्या होता है, वो मुगल काल होता है। 32 नंबर कह रहा है कि किस भगवान कृष्ण के चित्रण कहां मिलते हैं, तो भाई मथुरा में भी, गोकुल में भी, वृंदावन में भी, सभी जगहों पर भगवान कृष्ण के चित्रण है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति माघी उत्सव मनाती, तो अपने यहां माघी उत्सव थारू जनजाति मनाती है।
34 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती। अवधी अपने यहां, बुंदेली अपने यहां, बघेली अपने यहां, निमाड़ी अपने यहां नहीं, ये मध्य प्रदेश में बोली जाती है। अगला प्रश्न आपसे 35 नंबर क्या कह रहा है, भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा स्थापित सर्वोच्च पुरस्कार विश्व भारती पुरस्कार होता है। अगला कह रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च कहां पर स्थित मिलती है, तो ध्यान रखिएगा यह आपको कानपुर में मिलती है। 37 नंबर कह रहा है कि बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट किस शहर में स्थित मिलता है, तो बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा नोएडा में स्थापित। लोकनीति को मिलान करना है कि इनमें से कौन सा होगा, तो जैसे चरकुला की जब हम बात करते हैं तो ब्रज क्षेत्र में चरकुला, यानी एक आपका चौथा मिलेगा और एक चौथे में आपका सिर्फ पहला और दूसरा है। उसके बाद जब आप देखेंगे इसमें से तो बी में कह रहा जोगिनी, अवध क्षेत्र में बी का यानी तीसरा बनेगा, बी का तीसरा, ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला कह रहा उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी मिलती है, आप सारे लोग जानते हैं अपने यहाँ थारू सबसे बड़ी जनजाति है। 40 नंबर कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति माघी उत्सव मनाती है, अभी मैंने आपको बताया कि थारू जनजाति माघी उत्सव मनाती है, बहुत बार प्रश्न आया है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर कौन सा मंदिर है, तो झिंगुरदा मंदिर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर है। 42 नंबर कह रहा है कि कौन से शास्त्रीय नृत्य का रूप उत्तर प्रदेश में उद्भव हुआ, कथक की जब हम बात करते हैं। 43 कह रहा है किस वर्ष में उर्दू को उत्तर प्रदेश की दूसरी आधिकारिक भाषा घोषित किया गया, आप सारे लोग जानते हैं कि जब हम बात करते हैं कब की, 1989 की। 44 नंबर कह रहा है कि कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय लोकगीत है, तो इसमें से ध्यान रखिएगा कजरी होता है। 45 कह रहा है छठ पूजा जो उत्तर प्रदेश झारखंड बिहार का एक बहुत महत्वपूर्ण उत्सव होता है, किस देवता की पूजा होती है, उगते हुए सूर्य जो है बैठते हुए सूर्य को इसमें अर्घ दिया जाता है। 46 कह रहा है कि कौन सा त्यौहार उत्तर प्रदेश का प्रमुख त्यौहार नहीं है, तो इसमें से ध्यान रखिएगा शीतलाष्टमी अपने यहाँ का प्रमुख त्यौहार नहीं है। अगला कह रहा है कि प्रसिद्ध स्थान नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, सारे लोग जानते हैं कि जब हम सीतापुर की बात करते हैं तो वहां पर आपको ये मिलता है। 48 कह रहा है उत्तर प्रदेश किसके लिए प्रसिद्ध होता है, तो बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो चुनार काली मिट्टी बर्तन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। 6 शताब्दी ईसा पूर्व मथुरा किसकी राजधानी हुआ करती थी, सुरसेन, सारे लोग जानते हैं। अगला आपसे 50 कह रहा मुगल काल में उत्तर प्रदेश का कौन सा घराना संगीत का सबसे बड़ा केंद्र था, तो जब हम बात करते हैं आगरे घराने की तो सबसे बड़ा संगीत केंद्र। ऐसे ही मजेदार सीरीज के लिए जो आपके 1 से 2 नंबर पक्का कर दें, 1 से 2 क्वेश्चन पक्का कर दें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप लाइक करिए, शेयर करिए, वीडियो पर अच्छे अच्छे मस्त दमदार कमेंट करिए। फिर मिलते हैं आगे, तब तक के लिए धन्यवाद।